शेंगेन वीज़ा के सारे डॉक्यूमेंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वीज़ा फॉर्म इसमें एक छोटी सी गलती आपके पूरी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर सकती है भले ही फिर आपके पास बाकी कितने भी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हो या भले आपने दुनिया कितना भी घुमाओ इस वीज़ा फॉर्म में एक मिस्टेक का भी स्कोप नहीं है तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शेंगेन वीजा फॉर्म को सारे पॉइंट्स को उसके और टोटल थर्टी टू पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को ज़्यादा डिस्कस करेंगे जहाँ पे मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी तो कन्फ्यूजिंग होती है मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ डाउट तो आना ही है ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसको कुछ भी डाउट नहीं आया इस फॉर्म में तो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे इस वीडियो में आ, खास तौर से ये ध्यान में रखना कि ये फॉर्म हमेशा दो लैंग्वेज में होता है एक तो इंग्लिश में और एक वहाँ की लोकल लैंग्वेज में मेरे हाथ में ये स्विट्जरलैंड का फॉर्म है तो ये इंग्लिश में भी है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी है मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्रांस जर्मनी स्पेन पोर्चुगल माल्टा ग्रीस इन सब का फॉर्म भी अटैच किया है तो आप रेफ़र कर सकते हैं उस सब फॉर्म को और ये फॉर्म इजीली अवेलेबल है वी की वेबसाइट पे जस्ट मेक श्योर कि ये फॉर्म टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है तो आपको जब अप्लाई करना है जब वी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना उस टाइम स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है मतलब इसका या तो वी से प्रिंट आउट लेके और फिर भर के सबमिट करना है तो आंसर है नहीं इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके ऑनलाइन ही भरना है और फिर उसका प्रिंट आउट लेके अपने अपॉइंटमेंट डेट पे बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना है इस फॉर्म पे हैंड रिटर्न कुछ भी नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट लास्ट पॉइंट जो लास्ट में डिस्कस करेंगे वहां पे आपका हैंड रिटर्न होना चाहिए एक्सेप्ट कुछ भी हैंड रिटन नहीं होना चाहिए इस फॉर्म में तो अब एक एक करके इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और अगर आपके पास ये फॉर्म रेडी है तो आप इसको साथ में भरना स्टार्ट कर सकते हैं तो पॉइंट नंबर वन टू थ्री तीनों पॉइंट आपके पासपोर्ट से रिलेटेड है आपके पासपोर्ट में ये तीनों की इन्फॉर्मेशन है कि आपका सरनेम क्या है और आपका गेवन नेम क्या है आपके नेम की स्पेलिंग आपके पासपोर्ट से मैच होना चाहिए अगर आपका कुछ मिडिल नेम है तो गेवन नेम के आगे आएगा जैसे मेरा नाम अमित चौधरी है कोई नेम नहीं है तो इसलिए मेरा फर्स्ट नेम या अगर आपका नेम कभी चेंज नहीं हुआ है तो पॉइंट टू को आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना वहां पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है कम टू पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये सब की इन्फॉर्मेशन भी आपके पासपोर्ट से ही मिलेगी तो फिर से अपने पासपोर्ट को खोल के यहाँ से डिटेल भर सकते हैं फर्स्ट है डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ भी आपके पासपोर्ट से मैच होना चाहिए जैसा उसमें वैसे इस फॉर्म में आएगा अगला है प्लेस ऑफ बर्थ तो अगर पासपोर्ट में देखोगे तो प्लेस ऑफ बर्थ भी होता है तो उसमें फॉर्म में भी वही चीज़ भरना है जो आपके पासपोर्ट में है पॉइंट नंबर सिक्स है कंट्री ऑफ बर्थ तो अधिकतर इंडियन व्यूवर्स मुझे आई होप देख रहे हैं तो इसमें आएगा इंडिया पॉइंट नंबर सिक्स में पॉइंट नंबर सेवन में आएगा इंडियन तो नेशनलिटी इंडियन आएगा और अगला पॉइंट आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं अगर आपकी नेशनलिटी कभी चेंज नहीं हुई है बचपन से अभी तक इंडियन ही हो तो यहाँ पे एन ए आएगा पॉइंट नंबर एट इज़ वेदर यूर मेल और फीमेल और अगला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर नाइन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट में बताया ना कि आप सिंगल हो मैरिड हो डिवोर्स हो क्या हो और मोस्टली क्या होता है आपके पासपोर्ट में ये अपडेट बाद में होता है आपकी शादी हो जाती है लैस से पिछले साल हो गई लेकिन पासपोर्ट अभी चल ही रहा है पुराना वाला वो तीन चार साल और चलेगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पासपोर्ट में जैसा हो वही सेम यहाँ पे लिखना है अगर आपके बीच में शादी हुई है तो आपको वो लिखना है तो एक्चुअल में आप मैरिड हो तो वो लिखना है अगर आप एक्चुअल में सिंगल हो तो यहाँ पे वो टिक करना है पॉइंट नंबर टेन सिर्फ उनके लिए जो माइनर है अभी जो एटीन क्रॉस नहीं हुआ है उनके लिए अगर वो बाहर घूमना चाहते हैं तो उनके लिए क्या डिटेल लगेगी इसमें वो आएगा तो लेस से अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो आपके बच्चा है कोई चौदह पंद्रह साल का तो यहाँ पे आपकी डिटेल फादर की डिटेल आ जाएगी पूरी लेकिन मोस्ट ऑफ़ द केस में अगर आप कपल जा रहे हैं या सिंगल जा रहे हैं और 18 के अबव है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल एन ए लिखना है पॉइंट नंबर 11 फिर से इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि यहाँ मिस्टेक होने के चांस है वो यहाँ पे पूछा है नेशनल आइडेंटिटी नंबर क्या है आपका कई लोग गलती से यहाँ पे पासपोर्ट नंबर भी लिखते हैं अगर आपकी कंट्री में कोई नेशनल आइडेंटिटी है तो उसके बारे में पूछे तो अपनी कंट्री में आधार है जैसे तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिखना है वहीं पॉइंट नंबर ट्वेल्व में पूछा है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है तो आप नाइनटी नाइन परसेंट केसेस में यहाँ पे ऑर्डनरी पासपोर्ट पे टिक करना है क्योंकि अपना नाइन्टी नाइन परसेंट लोगों का ऑर्डनरी पासपोर्ट ही होता है पॉइंट नंबर तेरह चौदह पंद्रह सोलह फिर से आपको पासपोर्ट खोल के वहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट करना है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पॉइंट नंबर तेरह है नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट कई लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो लिखते हैं नंबर ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट क्या होता है एक ही डॉक्यूमेंट है मेरे पास तो पासपोर्ट या फिर दो है आधार और पासपोर्ट तो यहाँ पे नंबर मतलब पासपोर्ट नंबर लिखना है यहाँ पे आपको ये नहीं बताना आपके पास कितने है राधा देन नंबर क्या है आपके पासपोर्ट का वो यहाँ पे लिखना है पॉइंट नंबर चौदह पंद्रह में भी वही आएगा कि आपका पासपोर्ट कब से वैलिड है और कब तक वैलिड है वो लिखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए भी होती है क्योंकि आप ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ पहुँचो और ये एक्सपायर्ड हो जाए आपका पासपोर्ट और कोई कंट्री ये नहीं चाहेगी कि आपके पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए इसलिए सारी कंट्री मांगती है कि आप कम से कम तीन महीने या छः महीने की वैलिडिटी के साथ ट्रैवल करो पासपोर्ट की अगर उससे कम वैलिडिटी है तो आपको पहले रेन्यू कराना पड़ेगा पासपोर्ट फिर ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट नंबर सिक्सटीन इज इशूड बाय मतलब पासपोर्ट आपका इशू कहाँ से हुआ है किसने किया है तो इसमें याद रखना मिस्टेक हो सकती है इसलिए हमेशा लिखना अगर आप पासपोर्ट खोलोगे तो आपका प्लेस ऑफ इशू है तो इसमें अगर जैसा मेरा जयपुर लिखा है तो आपके आंसर में आपके ब्लॉक में यहाँ पे आएगा आरपीओ जयपुर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जयपुर कई लोग यहाँ पे लिखते हैं इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो वो सही नहीं है पॉइंट नंबर सेवनटीन और एटीन सिर्फ उनपे एप्लीकेबल है जो यहाँ पे विजिट करने जा रहे हैं किसी फ्रेंड या फैमिली को जो वहाँ का सिटीजन है शेंगेन एरिया का या यू का या स्विटरलैंड का अगर सिटीजन है तो यहाँ पर सेवनटीन एटीन फिल करना है वरना ना एन ए लिखना है आपको नॉट एप्लीकेबल पॉइंट नंबर नाइनटीन में आपको अपना एड्रेस लिखना है लेकिन ये एड्रेस कुछ वैसा आपका अभी रेसिडेंट करेंट एड्रेस नहीं रहेगा ये एड्रेस रहेगा जो आपके पासपोर्ट में एक्जैक्टली वही एड्रेस होना चाहिए वाला और आपके एड्रेस के नीचे कई लोग ये मिस आउट करते हैं वहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भी लिखना है क्योंकि उसमें लिखा है पॉइंट नंबर नाइनटीन में एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ई एड्रेस तो कई लोग ई एड्रेस नहीं लिखते हैं यहाँ पर लिखना जरूरी है क्योंकि अगर उनको कॉन्टैक्ट करना हुआ आपसे तो वो इसी नं इसी ई मेल पे करेंगे नेक्स्ट ब्लॉक में आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है क्योंकि अगर उनको आपको कॉल करना हुआ तो आपको इसी नंबर पे कॉल करेंगे इसलिए ये डिटेल uh, भरना भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट नंबर ट्वेंटी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो अभी इंडिया में नहीं रह रहे हैं लेस से कोई दुबई रह रहा है या यू रह रहा है और वो अप्लाई करता है शेंगिन वीजा के लिए क्योंकि अगर आप इंडियन हो और इंडिया में नहीं रह के कहीं और से अप्लाई कर रहे हो तो इस पॉइंट नंबर ट्वेंटी पे वो डिटेल भरना है आपको और अगर इसका आंसर यस है तो आपको अपना पीआर का नंबर लिखना है यहाँ और कब तक वैलिड है वो लिखना है पॉइंट नंबर ट्वेंटी वन में आप क्या करते हैं वो लिखना है आपका ऑक्यूपेशन अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको लिखना है एम्प्लॉयड अगर आप बिजनेस में हो तो लगना है बिजनेस मैन अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर मेरे केस में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूँ तो मैंने वो लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्म में नेक्स्ट पॉइंट में आपको अपने एम्प्लॉयर का एड्रेस और फ़ोन नंबर देना है अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस की डिटेल देना है अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम और नंबर देना है यहाँ पे पॉइंट नंबर ट्वेंटी थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें गलती करने का स्कोप नहीं है बिल्कुल भी इसमें पर्पस ऑफ विजिट पूछा है किस पर्पस से जा रहे हो तो 99 परसेंट लोगों के या तो वो टूरिस्ट होगा या फैमिली फ्रेंड्स को विजिट करने जा रहे हैं बिजनेस या स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं पॉइंट नंबर 24 आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं अधिकतर के लिए रेलिवेंट नहीं है ये उनके लिए अगर कोई प्लस से किसी कंट्री में बिजनेस के लिए जा रहा है और वो चाहता है कि मैं बाकी कंट्री घूमूँ भी सही तो वो डिटेल में यहाँ बता सकता है कि मैं मेरे कोई कॉन्फ्रेंस है इस वाली कंट्री में लेकिन मैं घूमना भी चाहता हूँ ये ये कंट्री तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा कर सकता है ये पॉइंट उनके लिए पॉइंट नंबर ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये आपका पूरे जो ट्रैवल लाइटनरी जो बनाते हैं उस पर उससे मैच भी होना चाहिए इसमें पॉइंट नंबर ट्वेंटी फाइव में पूछा है मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन इफ एप्लीकेबल तो इसमें सबसे पहले नाम आएगा आप किस एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हैं उसका से आप फ्रेंच एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रांस आएगा अगर फ्रांस के साथ में आपकी आइटनरी में और भी कंट्रीज हैं जैसे स्पेन है पोर्चुगल है, है नीदरलैंड्स है बेल्जियम है तो वो सब कंट्री का नाम भी फिर फ्रांस के आगे आएगा यहाँ पे। आई होप कि यहाँ तक आपका ये डिसाइड हो गया कि आप कौन सी एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हैं आप उन एम्बेसी में अप्लाई करेंगे यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेज रुकने वाले हैं आपके ट्रिप में और अगर नंबर ऑफ़ डेज सेम है हर जगह चार चार दिन या तीन तीन दिन रुक रहे हैं तो सबसे पहले जिस कंट्री में जाएंगे उस एम्बेसी से आपको अप्लाई करना है और वही नाम यहाँ पे आएगा पॉइंट नंबर ट्वेंटी फाइव में पॉइंट नंबर ट्वेंटी सिक्स में आएगा कि आप सबसे पहले कौन सी कंट्री में लैंड हो रहे हैं वो पॉइंट नंबर ट्वेंटी सिक्स में आएगा मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री और ये भी ट्रैवल आइटनरी से मैच होना चाहिए आपका जब आप ट्रैवल आइटनरी बनाते हैं मैंने फॉर्मेट बताया एक वीडियो में उसका तो उसमें आप बताएंगे कि आप मुंबई से दिल्ली से इंडिया से कहाँ से कौन सी फ्लाइट ले रहे हैं और कहाँ पे लैंड करेंगे रही आपकी ट्रिप कैसे स्टार्ट होएगी तो जहाँ पे आप ट्रैवल आइटम में शो कर रहे हैं कि मैं इस कंट्री में लैंड करूँगा वही कंट्री का नाम पॉइंट नंबर ट्वेंटी सिक्स में आएगा पॉइंट नंबर ट्वेंटी सेवन के डाउट भी बहुत होते हैं लोगों को कि मैं तो ट्रैवल आइटम में बता रहा हूँ कि एक ही ट्रिप कर रहा हूँ एक ही बार जा रहा हूँ तो सिंगल एंट्री टिक करूँ कि कौन सा करूँ तो इसमें मैं सजेस्ट सबको करता हूँ हमेशा मल्टीपल एंट्री ही टिक करना नाइन्टी परसेंट चांस है कि वो आपको मल्टीपल एंट्री ही देंगे भले आप इसमें कुछ भी टिक करो लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड उसमें मल्टीपल एंट्री ही टिक करना पॉइंट नंबर ट्वेंटी सेवन का एक पार्ट है कि उसमें पूछा है आपका कौन सी डेट को आप एंट्री करोगे शेंगेन एरिया में और कौन सी डेट को आप एग्जिट करोगे शेंगेन एरिया से तो जो भी आपके ट्रैवल लाइटनरी अभी तक आपने बना ली होगी तो ये एग्जैक्ट उससे मैच होना चाहिए कि आपका आप कब एंटर कर रहे हो और कब एग्जिट कर रहे हो पॉइंट नंबर ट्वेंटी एट है कि क्या आपके फिंगरप्रिंट्स पहले लिए हुए हैं बायोमेट्रिक्स आपका हुआ हुआ है तो अगर आपका आंसर ये येस है कि आप पिछले साल या पिछले पाँच साल में शेंगिन एरिया में गए हैं तो यहाँ पे यस क्लिक करके आप अपना नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं डेट प्रोवाइड करा सकते हैं क्योंकि वीज़ा में लिखा हुआ रहता है आपके बायोमेट्रिक्स के बारे में अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है पास में और आपके पास वो वीज़ा नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो भी लिख सकते हो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें लिखा है कि डेट एफ नोन और वीजा स्टिकर नंबर एफ नोन तो अगर आपको डेट या वीजा नंबर नहीं पता है तो वो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट नंबर ट्वेंटी नाइन उन लोगों के लिए जो शेंगेन एरिया से फिर आगे कहीं और जा रहे हैं यूएस जा रहे हैं कैनेडा जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं साउथ अमेरिका जा रहे हैं तो यहाँ पे ये यह पूछा है कि अगर आप वहीं से शेंगेन एरिया से कहीं और जा रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ प्रोवाइड कराओगे और सेम चीज आपकी आइटनरी में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए अगर आप वहाँ पे अपनी रिटर्न फ्लाइट बता रहे हैं कि मैं शेंगेन एरिया से यू जा रहा हूँ तो फिर आपको यहाँ पे यूएस का वीज़ा नंबर प्रोवाइड कराना ज़रूरी है पॉइंट नंबर थर्टी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मिस्टेक होती है यहाँ पे या तो जो इन्वाइट कर रहा है आपको उस पर्सन का नाम आएगा उसकी डिटेल आएगी या फिर जो आप होटल सबसे पहले जाके रुकने वाले हैं उसकी डिटेल आएगी सिर्फ होटल का नाम यहाँ पे आएगा क्योंकि नेक्स्ट वाले पॉइंट्स में उसकी एड्रेस और फोन नंबर आएगा और इसके बाद वाले ब्लॉक में उसका एड्रेस और ई मेल आएगा और फिर उसका टेलीफोन नंबर आएगा उस होटल में जहाँ पे आप रुकने वाले हैं उसका पॉइंट नंबर थर्टी वन उनको भरना जो शेंगेन एरिया में बिजनेस के लिए जा रहे हैं ऑफिशियल विजिट में जा रहे हैं तो जो कंपनी उनको इनवाइट कर रही है उसका नाम यहाँ पे आएगा पॉइंट नंबर थर्टी वन में पॉइंट नंबर थर्टी टू में बहुत मिस्टेक्स होती हैं इसलिए बहुत केयरफुली ये वाला पॉइंट केयरफुलना है इसमें पूछा है कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड तो अगर आप खुद अपना स्पॉन्सर कर रहे हैं जो मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है तो बाय एप्लीकेंट टिक करना है तो अगर आप माइनर है या अगर आपके पास जॉब नहीं है आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं अगर आप हाउस वाइफ है या किड वाले या आपके बच्चे साथ में जा रहे हैं तो बच्चों वाले केस में आपके फादर स्पॉन्सर रहेंगे तो उसमें स्पॉन्सर वाला टिक करना है अदरवाइज आपको टिक करना है बाय एप्लीकेंट फिर इसके बाद पूछा है मीन्स ऑफ सपोर्ट क्या है तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे टिक करना कैश क्रेडिट कार्ड प्रीपेड अकोमोडेशन और प्रीपेड ट्रांसपोर्ट क्योंकि ऑब्वियसली कि आप शंग एरिया में जाओगे उसके पहले अपना फ्लाइट टिकट बुक करोगे थोड़ा बहुत होटल भी बुक करोगे तो इसलिए ये चार पॉइंट को टिक करना और अगर आपका स्पॉन्सर आपके लिए कर रहा है तो स्पॉन्सर के नीचे भी ऐसे कॉलम्स है कि मीन्स ऑफ फ़ंड कहाँ से आने वाले हैं तो उसमें भी आप स्पॉन्सर आपको कैसे देने वाला है कैश देगा या फिर वो आपके लिए बुक करके देगा वो सब पॉइंट टिक करना है तो ये थे 32 पॉइंट्स वीज़ा फॉर्म में और इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है एक एग्रीमेंट साइन करवाने को बोल रहा है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपकी फ़ीस रिफंड नहीं होएगी उसके नीचे आप साइन भी करेंगे इसलिए आप कभी अपने रिफ़ंड नहीं मांग सकते अगर इवन अगर रिजेक्ट हुआ तो तो ये दो ब्लॉक हैं जहाँ पे आपको पेन से आपको फिल करना है एक तो है आपका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा जो पासपोर्ट से मैच होना चाहिए ये वाला सिग्नेचर जो सिग्नेचर आपके पासपोर्ट में वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए प्लेस आप डाल सकते हैं कुछ भी अगर बॉम्बे में सबमिट कर रहे हैं तो बॉम्बे डाल सकते हैं अगर कहीं और रहते हैं आप दिल्ली में रहते हैं तो वो दिल्ली डाल सकते हैं डेट मोस्टली वीज़ा से एक दो दिन पहले की होनी चाहिए तो बेटर रहता है तो आप वो डेट में डाल सकते तो ये थे सारे 32 पॉइंट्स वीज़ा फॉर्म के और इसके बाद भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ तक मुझे लगा है कि मैंने सारा, सारे सारे पॉइंट्स प्रॉपर एक्सप्लेन किए हैं तो कुछ गलती इसमें होनी नहीं चाहिए इस फॉर्म में क्योंकि इसमें एक भी गलती होती है तो वो वही प्रोसेस या तो वो रोक देगा या क्लैरिफिकेशन पूछेगा और या फिर वी भी चेक करता है ये वाला फॉर्म तो कुछ गलती नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट वीडियो इसका फॉलोअप वीडियो रहेगा सारे वीजा के डॉक्यूमेंट्स के बारे में एज पर देर चेकलिस्ट कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मिस आउट नहीं हो जाए और क्या क्या वो डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट करते हैं आपसे वो वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि आपका वीज़ा का सक्सेस का रेशो थोड़ा बढ़ जाए और उनको कुछ रीज़न नहीं मिलना चाहिए कि आपका वीज़ा वो रिजेक्ट कर दें तो अगले वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे एज़ पर चेकलिस्ट बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में